12 अगस्त 2018 में नासा ने फ्लोरिडा के केप कनेरियल से लॉन्च किया पार्कर सोलर प्रोब को, जिसका मकसद था सूरज को टच करना और उसके अस्तित्व के बारे में करीबी से जानना। और फिर कई सालों के लंबे सफर के बाद पार्कर सोलर प्रोब सूरज के करीब पहुंचा, जहां प्रोब ने सूरज से जुड़ी कई सारी खोजें की। वे सभी खोजें क्या थी उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन पर जाकर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अब 3 साल बाद फाइनली पार्कर सोलर प्रोब ने वो कर दिखाया जिसका नासा को इंतजार था, और वह था सूरज को टच करना। आखिर कैसे पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब जा सका, और कैसे प्रोब ने सूरज को छूकर स्पेस की दुनिया में अपना नाम अमर कर लिया, पूरी कहानी के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब के सूरज को टच करने के पीछे करीब 60 सालों की लंबी रिसर्च है, और आज ये पहला ऐसा स्पेस प्रोब है जिसने सूरज को ना केवल करीबी से पढ़ा है बल्कि उसको छुआ भी है। अभी कुछ दिन पहले ही नासा ने ये कंफर्मेशन दी है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में एंटर कर चुका है, मतलब पार्कर अब सूरज के सबसे ऊपरी लेयर कोरोना में एंटर कर गया है। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब का सूरज को छूने से मतलब असल में है क्या? वेल, इसका आंसर है सूरज के पूरे स्ट्रक्चर को करीबी से देखना, क्योंकि सूरज के पास अपना कोई सॉलिड सरफेस नहीं है और वह पूरा अलग अलग गैसों से बना हुआ है, जिसमें 91% हाइड्रोजन है, 8% हीलियम है और बाकी 1% अन्य गैसों से भरा हुआ है, जो सूरज को एक जायंट हॉट प्लाज्मा बॉल बनाता है जो अपनी ही ग्रेविटी में स्थिर है। सूरज हर सेकंड सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है जो उसकी सतह से बाहर की ओर बहता है, लेकिन ये सोलर एनर्जी को सूरज की ग्रेविटी और उसकी मैग्नेटिक फील्ड ने बांध रखा है। ये सोलर एनर्जी असल में सूरज के वातावरण का निर्माण करता है, जिसे कहा जाता है कोरोना। यह सूरज की तीसरी लेयर में सबसे ऊपरी लेयर को कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर करीब 10 लाख से 2 करोड़ डिग्री तक रहता है। लेकिन कई बार इसकी लेयर से बचकर सोलर एनर्जी सूरज के वातावरण से बाहर की ओर निकल जाती है, जो अंतरिक्ष में चारों दिशाओं में सोलर विंड्स बनकर बहने लगती है। आखिर हमें कैसे पता लगा कि पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज को वाकई में टच कर लिया है? वेल, हर एटमॉस्फेयर की एज बाउंड्री होती है जहां वातावरण खत्म होने लगता है। जैसे हमारी पृथ्वी के वातावरण की बात करें तो सतह से ठीक 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का वातावरण खत्म होने लगता है। इस एज को कर्मन लाइन कहा जाता है। इस लाइन को जो भी स्पेस रॉकेट क्रॉस करता है वह अंतरिक्ष में एंटर कर जाता है। ठीक वैसे ही सूरज के वातावरण का भी एज होता है जहाँ कोरोना फेंट होनी शुरू हो जाती है। सूरज की इस एज को L1 क्रिटिकल सरफेस कहा जाता है। हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि ये बाउंड्री कहाँ पर खत्म होती है, लेकिन पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने यह बाउंड्री को क्रॉस किया है। पार्कर सोलर प्रोब अभी फेंटेड कोरोना के एज पर ट्रेवल कर रहा है। ये फेंटेड कोरोना को हम भी पृथ्वी से सोलर एक्लिप्स के दौरान आसानी से देख सकते हैं। दशकों से वैज्ञानिक सूरज के वातावरण को सोलर एक्लिप्स के दौरान स्टडी करते आ रहे हैं, क्योंकि ये जानना हम मानवों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कैसे एक तारे के जरिए सौर मंडल में जीवन पर प्रभाव आता है। लेकिन सूरज के कोरोना को समझना एक मिस्ट्री के जैसे हो गया था, जिसमें पहली मिस्ट्री थी कोरोना का टेम्परेचर, क्योंकि कोरोना का टेम्परेचर 300 से 400 गुना ज्यादा है फोटोस्फेयर लेयर से, जो सूरज की सबसे पहली लेयर है। दूसरी मिस्ट्री थी हर सेकंड सोलर विंड्स का बनना, जो पूरे सौर मंडल में बहता है। ये सोलर विंड्स कैसे बनती है हम नहीं जानते। सोलर विंड्स की पढ़ाई का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि कई बार ये विंड्स हमारे बनाए सैटेलाइट्स और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करती है, और कई बार तो सैटेलाइट्स पूरी तरह काम करना बंद कर जाता है। दोनों को बचाए रखने के लिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सोलर विंड्स कहां से बननी शुरू होती है। यही जानने के लिए नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को सूरज पर भेजा है। कई दशकों पीछे जाएं तो सूरज पर स्पेसक्राफ्ट को भेजने का आइडिया सन 1958 में आया था, लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जा सके जो सूरज की इतनी गर्मी को झेल सके। लेकिन 2000 सन के बाद से ही इस आइडिया पर काम शुरू हो गया था, और फिर 2018 में लॉन्च के बाद पार्कर सोलर प्रोब अपनी जर्नी सूरज को छूने की ओर बढ़ने लगा। अप्रैल 2021 में अपने सूरज से 8वें ऑर्बिट पर पार्कर सूरज से केवल 120 करोड़ किलोमीटर से होकर गुजरा, जहां पार्कर ने कोरोना के बाउंड्री को क्रॉस किया, जो नासा के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था, जिसे 60 सालों के लंबे सफर के बाद अचीव किया गया।
जैसे ही पार्कर कोरोना में एंटर हुआ, पार्कर के विस्पर इंस्ट्रूमेंट ने यह इमेज कैप्चर की जिसमें हमें पार्कर सूरज में बनी प्लाज्मा की धाराओं से घिरा हुआ दिखाई दे रहा था और बाकी इंस्ट्रूमेंट की मदद से पार्कर ने सूरज की मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव को भी डिटेक्ट किया और कोरोना की बाउंड्री के बाहर सोलर विंड्स को तेजी से बहते हुए देखा, जो कोरोना में काफी स्लो भी था क्योंकि कोरोना में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए सोलर विंड्स कोरोना में बहुत ही धीरे फ्लो करती है। पार्कर ने कोरोना में स्विचबैक्स को भी रिकॉर्ड किया। स्विचबैक्स असल में समुद्रों की वेव जैसी होती हैं, लेकिन सूरज में ये सेम मैग्नेटिक फील्ड के साथ होती है। कोरोना में एंटर करने से पहले बस हमें यही पता था कि स्विचबैक बनते हैं, लेकिन 2021 में जब पार्कर कोरोना में एंटर हुआ तो हम स्विचबैक के बनने के असली कारण को भी समझ पाए थे, जिसमें हमें पता लगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की धाराएं बीच बीच में फटने लगती हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने सूरज के सरफेस से होते हुए ट्रेस किया था। अगर हम सूरज के विजिबल सरफेस को करीबी से देखेंगे तो जब सरफेस के अंदर गर्मी का प्रेशर बढ़ने लगता है तो ये गर्मी मैग्नेटिक वेव्स के साथ और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है, जो सूरज की सतह पर मैग्नेटिक एनर्जी की फनल को बनाता है। नासा को ये भी पता लगा कि स्विचबैक इन्हीं मैग्नेटिक एनर्जी के फनल में बनते हैं, ना कि कोरोना में। ये खोज तो बस पजल का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे हम अभी समझ पाए हैं। तो दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब के सफर में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।